हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे हों। और गेट एग्ज़ाम में अगर आपका लो स्कोर है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे आपको क्या करना है ये सब जानने में। तो देखो यार, गेट एग्ज़ाम में जो लोग फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो तो क्लियर होते हैं कि उनको क्या करना है। सेकंड, जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं उनका भी क्लियर होता है उनको क्या करना है। बस दिक्कत उनको होती है जिनका क्वालिफाई तो कर गए हैं लेकिन स्कोर बहुत कम है, लो स्कोर है। क्वालिफाइड हैं पर स्कोर कम आया है, तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? तो देखो, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा क्या करना चाहिए तुमको, क्योंकि जब मैं फाइनल ईयर में था मेरा भी गेट क्वालिफाई हुआ था लेकिन स्कोर लो था। अब मैंने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए, मेरी क्या गलती थी, उससे आप सीख सकते हैं। देखो, अगर आप अभी थर्ड ईयर में हो और आपका लो स्कोर है और आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ से आपके लिए ये वीडियो किसी काम की नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर्स में हो अभी तो यार आपको काफ़ी टाइम है। तो आप जो तैयारी जहाँ से कर रहे थे और या फिर कर रहे हो, तो उसे अच्छे से आगे बढ़ाओ और अच्छे से मन लगाकर गेट एग्जाम दो। नेक्स्ट, अगर आपका लो स्कोर है और आपने ड्रॉप ले चुका है, ड्रॉप लेने के बाद भी आपका लो स्कोर रहा इस बार, तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताऊं। आप सबसे पहले तो एडमिशन ले लें एम टेक में, कहीं भी जैसा भी कॉलेज मिल जाए। ये बिल्कुल ना सोचें कि अगली साल और अच्छा कर लूँगा और अपना जो टाइम है वो निकाल दें। मैं आपको बताऊँ, समझदारी इसी में है, आप एडमिशन ले लें और एडमिशन लेने के बाद आपका सिलेबस पूरा हो गया होगा, उसको रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपना एडमिशन भी ले लें और फिर से अप्लाई कर दें, पर एडमिशन ज़रूर ले लें, ये मेरी सलाह रहेगी। सेकंड, सबसे दुविधा वाली बात या सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको रहती है सोचने में कि आगे क्या करें, वो होते हैं फाइनल ईयर वाले बच्चे। फाइनल ईयर में लो स्कोर आ जाए उनके लिए तो सबसे दिक्कत वाली बात यही रहती है कि अब वो कॉलेज ज्वाइन करें या ड्रॉप लें या कोचिंग ज्वाइन करें, क्या करें, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं वो। तो आपको देखो मैं बताऊँ, सबसे पहले तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप कैपेबल हो के ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर पाओ, ऑफलाइन सेंटर जाओ, जैसे कि दिल्ली जाना हुआ, दिल्ली आप जाओ कोचिंग ज्वाइन करो, वहाँ का रेंट, खाना पीना सब कुछ आराम से अपना 2 लाख 2.5 लाख जितना भी खर्चा आता है वो सब अच्छे से आप आराम से दे पाओ, तो आपके लिए मेरी सलाह है कि आप सिंपल से ज़रूर दिल्ली जाओ और मन लगा कर तैयारी करो आराम से। और सेकेंड थिंग, आप कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं घर पर रहकर तैयारी कर लूँगा ऑनलाइन या किसी बुक से या अपने नोट से, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हो, प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, तो आप एडमिशन ले लें। लो स्कोर है, कोई बेकार कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको ले लें, वहाँ जाकर तैयारी करते रहें, ऑनलाइन कोचिंग से करें या खुद के नोट से करें, बुक से करें, जैसे भी करें, आप एडमिशन ले लें। आप बिल्कुल भी ड्रॉप लेने की ना सोचें, अगर ड्रॉप ले लिया तो भाई इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी तुमको बहुत ज़्यादा। ड्रॉप ले रहे हो तो पहले कंफर्म कर लो कि तुम दिल्ली जाकर रहने में और कोचिंग लेने में सक्षम हो कि नहीं, हो तो जाओ, पक्का जाओ, नहीं हो तो एडमिशन ले लो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहाँ तैयारी करो। अगर आप फाइनेंशियल भी अच्छे नहीं हो और एडमिशन भी नहीं ले रहे हो, फिर घर पर रहकर तैयारी करोगे तो घर पर तैयारी कर नहीं पाओगे, पहली बात तो ये है। और दूसरा, घर वाले भी बार बार पूछेंगे क्या है, कब तक हो पाएगा, क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूछते हैं, क्योंकि 4 साल आपने तैयारी की होती है, पूरी इंजीनियरिंग की होती है, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं लगती, घर रह के पढ़ाई करते हो, बहुत दिक्कत रहती है जो बताऊँ। तो इससे अच्छा यही है एडमिशन ले लेना, वहाँ जाकर तैयारी करना, फिर से एग्जाम में अपियर होना।
इसके अलावा भी अगर कोई कैटेगरी आपकी छूट गई है, आप इनके अलावा भी कुछ और सोच रहे हो, क्या करें, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए या कोई भी और मदद चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो इसको सब्सक्राइब करें।